ये कामतगिरी परिक्रमा पथ पर चोपड़ा मंदिर के सामने सीता कुंड का हाल है। यहाँ पर परिक्रमा चौड़ीकरण के नाम पर पर्यटन विभाग द्वारा पुराने दरवाजे को तुड़वा कर नया निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण की क्वालिटी अत्यंत घटिया है। यह जो गिट्टियाँ प्रयोग की जा रही हैं वह अत्यंत बेकार स्थानीय लोगों द्वारा बताई जा रही हैं। वैसे इस चोपड़ा तालाब का पुनर्निर्माण पिछले 20 सालों से लगातार विभाग करता रहा है। लगभग 5 ठेकेदारों ने इस तालाब में अभी तक करोड़ों रुपए फूंक डाले हैं। कभी भी इस तालाब में स्वच्छ पानी दिखा ही नहीं। अब आगे आने वाले दिनों में इसको कैसे और क्या बनाते हैं देखने वाली बात होगी। यह आधुनिक सुविधायुक्त शौचालय भी 2 साल पहले बनाया गया था जो आज तक चालू नहीं किया गया है और इसमें लगातार लोग अवैध रूप से रह रहे हैं जिसके कारण से आसपास के लोग परेशान भी। यह परिक्रमा पथ बनाई गई वह दुकानें हैं जिन पर अवैध कब्जा होने के आरोप हैं। पिछले अक्टूबर से इनको खाली कराने के लिए प्रशासन लगातार दबाव बना रहा था लेकिन हो नहीं पाया। इस बार 23 मार्च को जैसे ही लॉकडाउन लगा उसके 15 दिनों बाद अवैध कब्जेदार इनको छोड़कर अपने घर भाग गए। अब जब पूरी तरह से यह खाली हैं तो स्थानीय संत भी यह मांग कर रहे हैं कि प्रशासन को चाहिए कि इनका सामान उठवा कर ले जाए और इनको पूरी तरह से खाली करा ले। खाली दुकानें पड़ी हैं और उसमें कोई उसका है नहीं तो सरकार सामान सब भरा ले जाए। मतलब यह अतिक्रमण जो है तो एक बिना उसके खत्म हो जाएगा। हाँ, उसको सब ले जाए सामान, नहीं फिर दोबारा कब्जा कर ले। पिछले 10 दिनों से लगातार राम घाट पर बनने वाले फुट ओवरब्रिज को बनाने में लगे इंजीनियरों और क्रेन का लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है। यह इंजीनियर दिन भर गाड़ियों को स्टार्ट करते और बंद करते हैं जबकि इसको देखकर स्थानीय लोग कहते हैं कि शायद यह बन नहीं पाएगा क्योंकि यह लोग इसको बनाने की पूरी प्लानिंग करके नहीं काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्र की टूटी हुई टीम बता रही है कि यहाँ के अधिकारी कितने संवेदनशील हैं और नए टीन लगवाने में तो व्यस्त हैं मगर पुराने टीन को ठीक करने के लिए कुछ सोचते ही नहीं है। महाराज, ये गाय आपके यहाँ की खत्म हो गई, काफी दुधालू गाय थी, क्या मामला है? गाय का नाम था हमारे ललिता। क्या मामला क्या है पूरा? गाय बीमार हुई हमारी तो हमने डॉक्टर पाठक जी को बुलाया, जानकी कुंड में उनका रामा मेडिकल के नाम से चलता है, तो उन्होंने महंत जी हमारे गए तो वहाँ से मेडिकल से दवा लाए, उस दवा का इंजेक्शन लगाया गया, गाय पूरी पागल हो गई। जब गाय पागल हो गई तो फिर हम लोगों ने उनको पुणे बुलवाया। ये क्या है ये आपका हाथ में दवा है? इंजेक्शन है। हाँ, तो यही लगाई थी? हाँ, यही लगाया गया तो गाय बिल्कुल एकदम पागल पड़ गई। तो इसकी एक्सपायरी डेट आप कैसे कह सकते हैं कि एक्सपायर हो गई थी? क्योंकि पड़ी है डेट इसमें। हाँ, मार्च की पड़ी हुई। हाँ, मार्च की डेट पड़ी हुई है, हमारा तो लिखा नहीं, लेबल लगा है इसमें, तो ये स्वयं बता रही कि मतलब एक्सपायरी डेट हो। जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया गाय को तो फिर गाय क्या हुआ? गाय पागल पड़ गई। जब गाय पागल पड़ गई तो पुनः फिर उनको दोबारा बुलाया हम लोगों ने कि भाई गाय हमारी इंजेक्शन आपने लगाया, गाय फिर बीमार ज्यादा हो रही है, तो उन्होंने आकर के फिर इंजेक्शन लगाया, 3 इंजेक्शन लगाया, बोले गाय को सर्रा हो गया, अभी ठीक होती है। जब गाय पैर अपना फड़फड़ाने लगी, मरना दम तोड़ने लगी हो, तब वो यहाँ से छोड़ करके चले गए। जब यहाँ से छोड़ के चले गए तो हम लोगों ने गाय खत्म हो गई तो फिर हम लोगों ने फोन किया महंत जी को, फिर महंत जी और हम लोग सीतापुर चौकी गए। सीतापुर चौकी में जा करके अप्लीकेशन दिया। अप्लीकेशन देने के बाद फिर उसकी कोई भी मतलब कार्यवाही न की गई और गाय दम तोड़ करके चली गई। स्थान लगातार एक महीने पहले से कह रहे जिलाधिकारी की बात को सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने आखिर सुन लिया। 2 दिन पहले मंदाकिनी नदी की आरती के स्थल पर बने घाट के नीचे के रैंप को हटाने का काम मजदूरों ने कर दिया है। अब यह पूरा घाट एक जैसा दिखाई पड़ेगा जिससे गंगा आरती देखने वालों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। वैसे यह काम लगभग 1 साल पहले पूर्व जिलाधिकारी ने भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहा था लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने उनकी नहीं सुनी और अपनी मनमानी करते रहे। फिलहाल अभी इसको तोड़ा जा रहा है, अब अधिकारी इसको कब बनवाते हैं यह भी देखने वाली बात हुई। ठेकेदार का कहना है कि वह जल्द ही इसको एक जैसा बनवाने का प्रयास कर रहा है। अभी स्थानीय लोग इस बात को लेकर प्रसन्न हैं कि कम से कम विभाग के ठेकेदार ने काम स्टार्ट तो कराया।